हाथों में 2 मिनट के लिए आपका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और मुंबई की धरती पे लेकर चलता हूं। मुंबई की धरती पे एक बार मैं सबसे पहले यह बता देना चाहूंगा कि पृथ्वीराज कपूर साहब जी को कौन नहीं जानता, भले ही अभी नई हवाओं की सोहबत जो है वो भले ही नहीं जानते हों, लेकिन पुराने ख्यालात के जो भी मोहतरम बुजुर्ग हैं वो पृथ्वीराज कपूर साहब जी को अवश्य जानते होंगे। फिल्म इंडस्ट्रीज में एक बार उनका सिगरेट गुम हो गया, चोरी हो गया, और सिगरेट की तलाश में सबसे पहले वो राजकुमार जी के पास गए और जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं तनिक गौर फरमाइएगा। वो कहते हैं, राजकुमार साहब, क्या आपने हमारा सिगरेट लिया है? अब देखिए राजकुमार साहब अपने फिल्म के डायलॉग मारते हुए क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यानी ऐसे वैसे वैसे ऐसे कैसे हो गए, और कल तक थे जो हमारे चमचे, आज वो लीडर हो गए। तुम्हारा सिगरेट मैं नहीं, वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है सनी देओल। अब सनी देओल साहब अपने फिल्म के डायलॉग मारते हुए कहते हैं, सुनिएगा, अगर सनी देओल साहब की आवाज जरा भी पसंद आए तो तालियों का प्यार चाहेंगे। सनी देओल साहब, कातिया मैं तुझे कह चुका हूं ना, शेर बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा छोड़ दे। वाड़ा वा तुझे बहुत मारूंगा, काट डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ये मजदूर कहा थे कातिया, लोहा पिघला कर आकार बदल देता है। अगर तूने चाय फिक्र की ना तो घर से घींच कर मारूंगा, काट डालूंगा, चीर डालूंगा। तुम्हारा सिगरेट मैं नहीं, वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है मिथुन चक्रवर्ती, जाके मांग। अब देखिए मिथुन चक्रवर्ती साहब अपने फिल्म के डायलॉग मारते हुए कहते, मिथुन चक्रवर्ती को कौन कौन जानता है, एक बार हाथ उठा ले भाई। हाँ, सबसे सबसे छोटका लोग जानता है, बड़का लोग तो सिनेमा देखबे नहीं करता। मिथुन चक्रवर्ती साहब कहते हैं अरे दादा, शहर जलता है तो जलने दे, आग हमने ही लगाई है, लोग मरता है तो मरने दे, आप उनकी खुदाई है, समझा। अपन तेरा सिगरेट नहीं, वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है, अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन साहब अपने फिल्म के डायलॉग मारते हुए कहते हैं, अरे ना है भैया, सुन कोनो बात ना है, आज तो किसी ने मुझे सिगरेट छुड़ाने का इल्जाम नहीं लगाया और तुम मुझ पर सिगरेट छुड़ाने का इल्जाम लगा रहे हो, रिश्ते में तो तुम्हारा बाप नहीं बोले, सिगरेट मारने वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है असरानी। और असरानी साहब कहते हैं, अब ये किसने कहा मुझे असरानी है, ओए मारे तुम्हारी नानी भैया तुम्हारा सिगरेट मई नहीं, वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है जगदीप। और जगदीप साहब कहते हैं, हाय रे चंदा, कर दिया ना कपड़ा गंदा, खंबा उखाड़ के तुम्हारा सिगरेट मैं नहीं पी रहा हूं, वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है जॉनी लीवर। और जॉनी लीवर साहब अपने फिल्म के डायलॉग मारते हुए कहते हैं, देखिए कम से कम तालियां अवश्य बजाए कीजिए ताकि हौसला बुलंद होता है। जॉनी लीवर साहब कहते हैं, अरे यार, किसने मुझे सिगरेट चुराने का इल्जाम लगाई, मैं समझ में नहीं आ रहा है, किधर जाऊं, कोस किसने मुझे सिगरेट चुराने का इल्जाम लगाई, अरे तुम्हारा सिगरेट मैं नहीं, वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है। शक्ति कपूर, और शक्ति कपूर साहब कहते हैं, लालता ओमड़े में कोमड़ है, पक्षिक पकल है, तुम्हारा सिगरेट कोई ना है, वो सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है, आओ नाना पाटेकर। और नाना पाटेकर साहब अपने फिल्म के डायलॉग मारते हुए कहते हैं आ गए हमारी मौत का तमाशा देखने, आए गए खेल खत्म,
क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। तुम्हारा सिगरेट मैं नहीं, क्योंकि मैं बीड़ी पीता हूं। बस सामने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है अमरेश पुरी। और अमरेश पुरी साहब की आवाज अब तो वो इस दुनिया में, इस दुनिया से रह गुजर हो गए हैं, लेकिन हम कलाकार उनकी आवाजों को आपके बीच पेश करके अभी भी उन्हें हम जिंदा रखे हैं आपके दिलों में, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए अमरेश पुरी साहब। हेलो, हाँ तो हम थे अमरेश पुरी साहब पे। अमरेश पुरी साहब कहते हैं, डोगा बोले तो डोगा, अरे करुणा की माँ, ये हमने कहा दादा, इसकी सजा तुझे मिलेगी। बराबर मिलेगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारा सिगरेट मैं नहीं, उस साहब ने तुम्हारा सिगरेट पी रहा है। हरिओम। तहश नहश। अच्छा लगा हो तो तालियों के फिर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लीजिए, मैथिली गीतों से हम आपके दिलों पे दस्तक देने को तैयार हैं। जी वाह।